राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के जन्मदिन के अवसर पर शहर में विविध जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसी के तहत राकंपा दक्षिण नागपुर महासचिव गोविंद सुतरावी की ओर से पत्रकार और ज्येष्ठ नागरिकों के सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के 81वें जन्मदिन के अवसर पर शहर में विविध जगहों पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत शहर के पत्रकारों और ज्येष्ठ नागरिकों को सम्मानित करने और शरद पवार का जन्मदिन मनाने के उद्देश्य से राकंपा दक्षिण नागपुर महासचिव गोविंद सुतरावे की ओर से पत्रकार और ज्येष्ठ नागरिकों के सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर राकंपा शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे मौजूद थे। इस दौरान राकंपा दक्षिण नागपुर अध्यक्ष सुखदेव वंजानी ने अधिक जानकारी साझा की। गोविंदजी सुतरावे यांच्या आयोजकांनी आज ज्येष्ठ नागरिक आणि पत्रकार बंधूंचा सत्कार समारोह इथे आयोजित केलेला होता। यापूर्वी आम्ही सुरेश भट सभागृहामध्ये एक व्हर्च्युअल रॅलीच्या निमित्ताने मोठा साहेबांचं आम्ही भाषण आणि त्यांचं मार्गदर्शन या ठिकाणी ऐकलं। नागपूर शहरामध्ये दक्षिण नागपूरच्या वतीने विविध ठिकाणी आम्ही साहेबांचे केक कटिंग करून ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार, त्यांच्या अडीअडचणी जाणून साहेबांसाठी आम्ही त्यांचा आशीर्वाद घेतला। त्या निमित्ताने आम्ही पण दक्षिण नागपूरच्या वतीने आदरणीय शरद पवार साहेब यांना दीर्घ आयुष्य लाभावं या शुभकामना आम्ही त्यांना देत आहोत। इस दरमियान BCN न्यूज के संपादक इमरान शेख, नागपुर मेट्रो समाचार के रिपोर्टर अभिषेक पांसे और BCN न्यूज के रिपोर्टर संजय मीरे समेत अन्य लोगों का इस वक्त सत्कार किया गया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवा, BCN न्यूज नागपुर।